अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी आप सबके। मैं आज बनाने लगी हूँ वाइट वॉश्ड वाली माश की दाल, और ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी मार्केट से मिलती है। वहाँ भी आपको कहना पड़ता है कि हमें वॉश्ड वाली माश की दाल दें। दूसरी माश की दाल तो डिफरेंट ब्रांड में आपको किसी भी सुपर मार्केट, ग्रोसरी, कहीं से भी मिल जाती है, लेकिन ये स्पेशल आती है पाकिस्तान से। और इसका जो साइज़ है ना, वो भी देखें आप, ऐसे मोटा है, और इसका टेस्ट भी थोड़ा डिफरेंट होता है। तो ये मैंने भगो के रखी है, हाफ एन आवर तक इसको भगो के रखूँगी तो फिर बनाऊँगी। और साथ मेरी सिस्टर ने कहा था कि ये आप क्या चूल्हे के ऊपर बिछाती हैं, तो ये एलुमिनियम फॉइल होता है और इसे आग नहीं लगती। लेकिन ब्रांड आपने देखना है कि अच्छे ब्रांड का आपने यूज़ करना है। मैं फाल्कन का यूज़ करती हूँ तो इसे आग नहीं लगती। मैं एक और ब्रांड लाई थी तो उसे ना आग लग गई थी, वो जल जाता है। इससे ये है कि हमारा जो चूल्हा है ना, वो बिल्कुल क्लीन भी रहता है, और जब हम कुछ बनाते हैं, कुछ गिर जाए, बॉयल हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो डायरेक्टली चूल्हे पे नहीं गिरता, फिर उसको क्लीन करना मुश्किल होता है। ये फॉइल तो हम ऐसे उठा के तो इसको चेंज कर लेते हैं। तो सिस्टर ने एक ने पूछा था कि ये जो इसके होल होते हैं चूल्हे के यहाँ जैसे हैं, तो वो आप कैसे करती हैं। तो बस अब जैसे मुझे आइडिया हो रहा है ना फिंगर से ये टच करके कि यहाँ होल है, इसी तरह यहाँ होल है, फिर यहाँ है, तो मैं बस यहाँ से क्या है कि जोर से फिंगर प्रेस कर देती हूँ ऐसे। देखिए ये फिंगर प्रेस हो गई है, तो ये जो अभी फॉइल है ना उसे मैं निकालती नहीं हूँ, अंदर वाली साइड पे ना ऐसे मैं उसको बेंड कर देती हूँ। ये देखिए इस तरह बस मैं लगा लेती हूँ, और इसी ऐसे साइंस नहीं है, तो ये ऐसे इसको लगा लिया, ये इसे भी होल है ना, सबको ऐसे ही आपने काट लेना। तो उसके बाद ये मैंने इसके जो बर्नर हैं यहाँ रखे हुए थे वॉश करके, तो अब इनको लगवा लेते हैं। तो ये देखिए ये इसके ऊपर फिट आ गया है। तो इस तरह से हम इसको बर्नर को फिक्स कर लेते हैं, सारे बर्नर को ही। ये भी ऐसे ही है, ये देखिए ये भी आराम से इसके ऊपर लग गया है। उसके बाद ये है जी, इसको भी लगा लेती हूँ, ये भी लग गया है। तो ये देखिए ये भी लग गया है। तो अब इस तो इनको लगाने के बाद अभी ये जो इनके टॉप वाला हिस्सा है ना, वो भी मैं इसके ऊपर रख लेती हूँ, सब के ऊपर ऐसे है। तो ये देखें जी ये कंप्लीट फिक्स हो गया है। तो इस तरह से फिर ये हमारा जो चूल्हा है ना वो गंदा होने से बच जाता है। तो अब मैं बनाने लगी हूँ जी माश की दाल, तो इसके सारे इंग्रेडिएंट्स रेडी कर लेती हूँ।